आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लस टू क्लास का बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट। ये कॉमर्स स्ट्रीम का काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कॉमर्स स्ट्रीम के होते हैं, इस सब्जेक्ट से काफ़ी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लस टू बिजनेस स्टडीज़। तो प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ के टू पार्ट हैं। तो पार्ट ए है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और पार्ट बी है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो जो पार्ट ए है उसमें 8 चैप्टर हैं और पार्ट बी में 3 चैप्टर हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट ए के बारे में कि पार्ट ए में कौन कौन से आपको चैप्टर हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, फोर जो नंबर चैप्टर है वो है प्लानिंग, फिफ्थ नंबर पे है ऑर्गेनाइजिंग, सिक्स्थ नंबर पे है स्टाफिंग, सेवन नंबर पे है डायरेक्टिंग और 8 नंबर पे है कंट्रोलिंग। इस तरह जो फर्स्ट पार्ट है बिजनेस स्टडीज़ का उसमें 8 चैप्टर हैं। जब आप आगे कॉलेज में स्टडी करेंगे तो एक बुक जो है आपको मैनेजमेंट की ही लगेगी, उस बुक का नाम होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो जब आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ये जो टॉपिक हैं ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ जब आप कॉलेज जाएंगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट, इसकी भी एक बुक लगेगी। तो ये जो टॉपिक है ये भी आपकी आगे काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस तरह पार्ट ए में है टोटल 8 चैप्टर। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसमें 9 नंबर पे है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 10 नंबर का जो चैप्टर है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और 11 नंबर पे है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस तरह जो पार्ट बी है, पार्ट बी में हमारे पास हैं 3 चैप्टर। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। जब आप आगे कॉलेज में जाएंगे तो आपको एक बुक लगेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फिर एक बुक आपको लगेगी मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो जब आप अभी बड़े अच्छे ढंग से इनको स्टडी करेंगे तो ये चैप्टर आगे चल करके आपकी हेल्प करेंगे। अब चलते हैं हम आगे। तो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट क्या है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग एक्टिविटीज, प्रबंध का अर्थ है क्रियाओं का प्रबंधन। वेर एवर देयर इज ए ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग, प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट। जहाँ भी काम करने वाले लोगों का समूह होता है वहाँ प्रबंध की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। तो जब भी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है वहाँ पर किसकी कमी होती है, मैनेजमेंट की। तो इसको हम एक इमेज से समझते हैं। तो देखो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये मैन पावर है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब भी एक मैन पावर आती है तो वहाँ पर किसका जन्म हो जाता है, किसकी कमी महसूस होती है, वहाँ पर होती है प्रबंध की कमी। अब आगे समझते हैं। अब हमने क्या करना होता है कि जो मैन पावर है एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम जो है हाउ टू बिल्ड ए सक्सेसफुल टीम, उसको हम जो है एक सफल टीम कैसे बना सकते हैं, जो मैन पावर है उसको हम सफल टीम कैसे बना सकते हैं। तो वो हम बना सकते हैं मैनेजमेंट के जरिए। तो कैसे हम जो हैं एक जो मैन पावर है एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम सक्सेसफुल टीम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मैन पावर है उनको वर्क अलॉट करेंगे। ये जितने भी आपको इमेजेस में दिख रही है मैन पावर, इनको हम वर्क अलॉट करेंगे। तो जब हम इनको वर्क अलॉट करेंगे अर्थात काम सौंपेंगे, तो सबसे पहले हम इनका इंटरेस्ट देखेंगे कि ये किस किस काम में निपुण हैं और क्या क्या काम ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इनकी क्वालिफिकेशन भी देखेंगे और क्वालिफिकेशंस और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनको वर्क अलॉट करेंगे, ड्यूटीज असाइन करेंगे।
तो जब हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो है सक्सेसफुल टीम बन करके तैयार होगी। तो सक्सेसफुल टीम एक ऑर्गेनाइजेशंस में मैन पावर की कैसे बनती है, वो बनती है थ्रू मैनेजमेंट। तो देखो मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब आगे चलते हैं, अगर हमने अचीविंग करनी है द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इन ए ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी हम कर सकते हैं मैनेजमेंट से। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, हमारे को किस किस चीज़ का मैनेजमेंट करना पड़ता है? तो सबसे पहले हमारे को मैनेजमेंट करना पड़ता है मैन का। तो आपको मैंने बताया कि जब हम मैन का मैनेजमेंट करेंगे तो एक सक्सेसफुल टीम तो हमारी बन जाएगी, लेकिन सक्सेसफुल टीम से हमें जो है गोल और ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेंगे, उनको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे को क्या क्या करना पड़ेगा, मैन पावर के साथ साथ उनके मैनेजमेंट के साथ साथ हमारे को सेकंड नंबर पे जो मनी है उसका भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, थर्ड नंबर पे जो मशीन है बिजनेस में उनका भी हमारे को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसके साथ साथ जो फोर्थ नंबर पे जो मटेरियल है जो सामग्री है उसका भी हमारे को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसके साथ साथ जो मेथड्स हैं उसको भी हमारे को स्टडी करना पड़ेगा, उनका भी हमारे को मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि किस मेथड से हम काम को करें, इसके साथ साथ जो मार्केटिंग है उसका भी हमारे को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो जब हम 6M करेंगे, ये 6M हो गए, मैन मनी मशीन मटेरियल मेथड्स एंड मार्केटिंग, तो जब हम इन सब का मैनेजमेंट करेंगे तो हम अचीव कर देंगे जो हमारे गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव हैं उनको। तो जब हम इनको अचीव करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगी, सफलता। तो देखो कितना इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट करेंगे तभी हम जो हैं अचीविंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इन ए ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारे को मैन का ही नहीं, मैन का जब हम करेंगे तो एक हम जो है सक्सेसफुल टीम बना सकते हैं, लेकिन जब मैन के साथ साथ हम ये जो 6M है इनका मैनेजमेंट करेंगे तो हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अब हम जानते हैं कि ये मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध क्या है। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की परंपरागत अवधारणा। तो सबसे पहले हम जो ट्रेडिशनल है जो पुरानी है अवधारणा उसको हम स्टडी करते हैं। तो क्या है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट, तो इसको हम एक इमेज से समझते हैं। तो आपके सामने ये इमेज है, तो इमेज में ये जो आपको दिख रहा है ये मैनेजर है, इसके साथ साथ ये जो साथ में जो काम कर रहे हैं ये एम्प्लॉय है। तो मैनेजर क्या कर रहा है, एम्प्लॉय से काम करवा रहा है, तो गेटिंग वर्क डन, और जो एम्प्लॉय है वो काम को कर रहे हैं, तो इसी को ही हम कहते हैं मैनेजमेंट। तो दूसरे लोगों से क्या करना, काम कराना, ये था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। तो इसको समझते हैं हम, तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। दस द पर्सन हु गेट्स द वर्क डन बाय अदर इज कॉल्ड मैनेजर। इस प्रकार वह व्यक्ति जो दूसरों से कार्य करवाता है प्रबंधक कहलाता है। इन दिस वे अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट वॉज लिमिटेड ओनली टू गेटिंग थिंग्स डन। इस प्रकार परंपरागत अवधारणा के अनुसार प्रबंध का अर्थ केवल कार्य कराने तक ही सीमित था। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ मैनेजमेंट, बस हमने दूसरे व्यक्तियों से काम करवाना है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रबंध। बाकी और कुछ नहीं, बस काम होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे हम, प्रबंध। तो ये थी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे अब हम समझेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो आधुनिक अवधारणाएं हैं वो क्या बोलती है। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन थ्री एसेंशियल्स एलिमेंट्स। प्रबंध की आधुनिक अवधारणा तीन आवश्यक तत्वों पर आधारित है। तो इसमें थ्री एलिमेंट हैं मैनेजमेंट के, तो कौन कौन से है वो, फर्स्ट है प्रोसेस, एक प्रक्रिया, फिर सेकंड है इफेक्टिवनेस, प्रभावपूर्णता, और थर्ड है एफिशिएंसी, कुशलता। तो जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, प्रोसेस प्लस इफेक्टिवनेस प्लस एफिशिएंसी, तो उसको क्या कहेंगे हम, मैनेजमेंट। तो हम आगे समझते हैं, तो प्रोसेस क्या होती है, इंटरलेशन एमंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्यों के बीच अंतर संबंध। तो प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया।
तो प्रक्रिया होती है जो एक ही बार करने से नहीं होती है, जिसमें हमारे को कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो कई क्रियाओं को करने के बाद जो है क्या बनती है, प्रक्रिया। तो हमारे को क्या करने पड़ते हैं, जो प्रबंध के कार्य हैं वो करने पड़ते हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्शंस और पांचवा कंट्रोल। तो ये जो फंक्शन है ये अपने आप क्रिया है, लेकिन मैनेजमेंट करने के लिए आपको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन भी करना पड़ेगा, स्टाफिंग भी, डायरेक्शन भी, कंट्रोल भी। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या हो गई, ये एक प्रक्रिया हो गई। तो प्रक्रिया होती है जो एक ही बार में काम नहीं होता है, जब हमारे को किसी काम को करने के लिए कई क्रियाएं करनी पड़ती है तो क्या बन जाती है, वो प्रक्रिया। तो फर्स्ट एलिमेंट है आपका प्रोसेस, प्रक्रिया का। और सेकेंड है इफेक्टिवनेस, प्रभावपूर्णता। प्रक्रिया के साथ साथ प्रभावपूर्णता भी होनी चाहिए। तो प्रभावपूर्णता क्या है इसको समझते हैं। कंप्लीशन ऑफ गिवन वर्क इन द रिक्वायर्ड टाइम, दिए गए कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करना, उसको बोलते हैं हम इफेक्टिवनेस। और थर्ड जो है हमारा इसका एलिमेंट वो है एफिशिएंसी, कुशलता। तो कुशलता क्या होती है, कंप्लीशन ऑफ वर्क विथ मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम लागत में कार्य पूरा करना। तो जब हम जो है कई प्रोसेस प्रक्रियाएं करेंगे, मतलब हम कई काम करेंगे, कई क्रियाएं करेंगे, और इसके साथ साथ जो हम काम जो हैं बिल्कुल समय पर पूरा करेंगे, और इसके साथ साथ पूरा करने के साथ साथ जो हमारी कॉस्ट है, लागतें हैं, वो भी कम बैठेंगी, तो उसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट, प्रबंध। तो अब हम समझते हैं, मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल टू गेट द वर्क डन इन ए एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। प्रबंध से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। तो ये है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कितने एलिमेंट हैं, 3 है। फर्स्ट जो है ये प्रोसेस है। तो प्रोसेस मतलब इसमें आपको कई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो एक्टिविटीज कौन कौन सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शंस, कंट्रोल, एक ये आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, मतलब आपका जो काम है वो सही समय पर भी पूरा होना चाहिए, और सही समय में पूरा होने के साथ साथ उसकी जो लागतें हैं वो भी कम होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।